राम राम दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई शौकी फौजी। दोस्तों मैं आज छुट्टी आ रहा था दिल्ली के लिए, तो किसी कारणवश हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई। तो ऐसा हुआ कि मुझे एक टू डे रिजर्वेशन होता है, उस काउंटर पे गया मैं कि मुझे कोई रिजर्वेशन मिलेगा, मेरे साथ मैडम है, बच्चे हैं, कि मुझे कोई रिजर्वेशन मिलेगा दिल्ली के लिए। तो वहाँ बताया गया कि कोई भी रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है किसी भी ट्रेन में, भले फर्स्ट एसी हो, सेकंड एसी हो, थर्ड एसी हो, स्लीपर हो, कहीं भी कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो मैं वहाँ से मायूस होकर निकल गया। तभी पीछे से उसका एजेंट आया एक, बोला कहाँ का टिकट चाहिए आपको? मां सर दिल्ली का चाहिए। कौन सी ट्रेन में? वहाँ कोई भी ट्रेन में हो। बोला हो जाएगा। बोला आपको 500 रुपये पर कैंडिडेट एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। तो मैं मजबूरी में सोचा कि चलो करवा लेते हैं। अब मैं उसको 500 रुपये दे दिए एडवांस में, तो वो उसी काउंटर में, उसके पीछे पीछे गया कि कहाँ जाता है वो उसी काउंटर पे गया, उसी आदमी को उसने टिकट दिया। और वहाँ से उसी आदमी ने, जिसने मेरे को मना किया था कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है, उसी ने जो है उसको टिकट बना के दिया विद इन 5 मिनट। और उसने मेरे को टिकट दे दिया और मेरे से जो है 1000 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस आरक्षण वाले के पास, जिसने जो है मुझे ऐसा टिकट बना के मुझे मना किया था। उसके काउंटर पर भीड़ अभी भी लगी है, आप देखिएगा अभी भी भीड़ लगी है उधर, क्योंकि आज ट्रेनें रद्द हैं। और ये है वो काउंटर। महाशय जी को आप देख रहे हैं, इनके पास जो है अवेलेबल नहीं है। अभी मैं उन एजेंट के पास लेके चलूंगा आपको, जिसने जो है ये टिकट मेरे को बना के दी है। और कहां से बनाई है उनसे थोड़ा पूछेंगे, क्योंकि थारा भाई डरता तो किसी का नहीं, पाड़ देगा बीच मत है, या तो हम दिक्कत नहीं मानो, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं है कि बिहार में हो चाहे कहीं हो भाई, ग्रेट इज ग्रेट। तो मैं आप लोगों को जो है मिलेंगे मुझे यहीं कहीं घूमते हुए, तो आप उनको मिलवाएंगे कि उन्होंने जो है अपने से कितने रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं। और मुझे नजर आ गया वो उधर बैठा हुआ है, उनसे मैं मिलवाता हूँ आपको। अभी जो है वो आपसे 2-4 बात करेंगे, सुनिएगा। अच्छा जी, ये है वो सर, देखिए। तो क्या नाम है सर आपका? प्रमोद। क्या नाम है? प्रमोद। प्रमोद नाम है जिनका। आपने टिकट कहाँ से बनवाया मेरा? उस पार से बनवाया। चलिए थोड़ा ये जो है आप देख रहे हैं, इन्होंने प्रमोद जी नाम बता रहे हैं अपना। कितने पैसे लिए मुझसे? 1400 रुपया। एक कैंडिडेट का कितना? 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया बता रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा, रिजर्वेशन वाले ने कितने लिए आपसे? 30 रुपया टिकट। 30 रुपया टिकट बता रहे हैं। अभी देखिए, इन्होंने जब 500 रुपये लिए और अभी 30 पे बता रहे हैं, ठीक है। अभी काउंटर वाले के पास ले चलते हैं, देखिए वो जा रहे हैं, नजर आ गए। तो ये है इस देश का हाल, बताइए ऐसा हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा, ठीक है। संदेश तो अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहें तो कहीं भी पहुंचा सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ पे हजारों ऐसे हैं जिनको है काउंटर पे जो मना किया गया कि कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है, और फिर उन्हीं को उसी काउंटर वाले ने जो है सीट दिया है, ठीक है जी। तो कैसा रहा वीडियो? शेयर भी करो, फोक का करो यार, मैंने कोई गाने की प्रमोशन नहीं किया, लेकिन इसने ना फैला दो यार, प्लीज रिक्वेस्ट।